नमस्कार स्नेही मित्रगण, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयास पाइप विनोद में। दोस्तों, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे पुनः निवेदन रहेगा कि नीचे लाल वाला बटन दबाकर चैनल को निःशुल्क सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी वाला चिन्ह अवश्य दबाएं, जिससे आपको भविष्य में आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रग्रहण की। जी हाँ, खग्रास चंद्रग्रहण की, जो आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा शुक्रवार यानी 27 जुलाई 2018 को जो पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगी। दोस्तों, भारतीय मानक समय के अनुसार इस चंद्रग्रहण का स्पर्श अथवा प्रारंभ रात में 11:54 पर होगा। चूंकि सूर्य ग्रहण का सूत्र स्पर्श समय से 12 घंटे पहले हो जाता है और चंद्रग्रहण का 9 घंटे, तो इसलिए सूर्योदय इससे 9 घंटे पहले ही लग जाएगा। ग्रहण का मध्य समय 1:52 पर है और रात 3:49 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। रात्रि 1 बजे से रात 2:43 या खग्रास की अवस्था में रहेगा दोस्तों, जिससे पूरा चंद्रमा ढका हुआ प्रतीत होगा। मित्रों, एक बार फिर से हम आपको समय निर्धारित करते हैं, बता नोट कर लीजिए। ग्रहण का स्पर्श होगा मतलब प्रारंभ होगा रात 11:54 पर, मध्य होगा रात 1:52 पर, समाप्ति होगी 2:43 पर, मोक्ष होगा 3:49। मित्रों, जिनका जन्म उत्तराषाढ़ नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र में हो वो इस ग्रहण को बिल्कुल भी ना देखें। और हाँ, गर्भवती महिलाएं सावधानी अवश्य बरतें, वो भी चंद्रमा देखने का प्रयास करें और अपने पेट पर गाय का गोबर का पतला सा हल्का सा लेप अवश्य लगाएं। दोस्तों, ग्रहण के स्पर्श समय से स्नान और मोक्ष के बाद भी पुनः स्नान करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के पूर्व जब सूतक लग जाता है उस समय मंदिर में प्रवेश करना, मूर्ति को स्पर्श करना, भोजन करना, क्रिया यात्रा इत्यादि वर्जित माना जाता है, जिसमें बालक हुआ, वृद्ध हुआ, रोगी हुए उनको छोड़ दो और अपने भोजन में जैसे दूध दही घी इत्यादि में कुछ रख देना चाहिए। और ग्रहण मोक्ष के बाद पानी भी आपको पीना है तो ताज़ा लेकर पीना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण अवधि में स्नान करने के पश्चात श्राद्ध दान जप मंत्र सिद्ध इत्यादि का शास्त्रीय विधान, इसका बहुत ही बड़ा पुण्य मिलता है, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों, हम सभी राशियों के लिए ग्रहण से होने वाले लाभ हानि के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। मेष राशि के लिए सुख, वृष के लिए मान हानि, मिथुन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कष्टप्रद रहेगा, मधुतुल्य कष्ट रहेगा। कर्क राशि के लिए स्त्री कष्ट, सिंह राशि के लिए सौख्यम, कन्या के लिए चिंता, तुला के लिए व्यथा, वृश्चिक के लिए लक्ष्मी, धनु के लिए क्षति, मकर के लिए घात, कुंभ के लिए हानि और मीन के लिए लाभ। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोलू।